Good morning, student. Today I am going to teach you new shapes. Okay? और आज हम क्या सीखेंगे? Square. Okay? Do you have my red drawing book? आपके पास ये book है ना? उसमें आपको square draw करना है. Okay? Now open your index. ओके देखो इसमें हमारा फर्स्ट हमने क्या किया था सर्कल. ओके नाउ अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे स्क्वायर. देन फर्स्ट वी हैव टू राइट डेट. ओके राइट द डेट 8/8/2020 ये हो गई हमारी डेट. नाउ टाइटल और टाइटल में हमें क्या लिखना है स्क्वायर. ओके एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर ये हो गया हमारा टाइटल. देखो हमने पहले क्या किया था सर्कल. हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया था ना. अभी आज हम क्या ड्रॉ करेंगे स्क्वायर. ओके नाउ देखो ये जो ब्लैंक पेज है ना यहाँ पे हमें पहले क्या लिखेंगे डेट. देन राइट द डेट 8/8/2020 और यहाँ पे हमें डे भी लिखना है और आज का डे क्या है सैटरडे एस ए टी यू आर डी ए सैटरडे और हमारा टाइटल क्या है स्क्वायर. देन राइट द टाइटल एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर और यहाँ पे आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके में स्क्वायर शेप का जो भी थिंग्स आपके पास है आपको यूज करना है. ओके यहाँ पे मैंने ए लिया है ना. आपके पास जो भी स्क्वायर शेप का है वो आपको लेना है. ओके नाउ ड्रॉ द शेप. धीरे से हमें पहले स्लीपिंग लाइन करनी है. ओके धीरे से फिर ऐसे ही आपको धीरे से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. फिर नीचे भी हमें क्या करना है स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है और अगेन वी हैव टू राइट स्टैंडिंग लाइन. ओके हो गया हमारा स्क्वायर शेप. ओके इसकी मदद से आपको स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है. ओके अभी स्क्वायर शेप को हम क्या करेंगे उसके ऊपर बॉर्डर करेंगे. बॉर्डर करने से क्या होता है पता है आप जो स्क्वायर के अंदर जो कलर फिल करते हैं ना वो बाहर नहीं निकलता इसीलिए हमें पहले क्या करना है बॉर्डर करनी है. ओके और बॉर्डर करने के लिए हमें कौन सा कलर लेना है ब्लैक कलर. ओके नाउ स्टार्ट डू द बॉर्डर. धीरे से आपको बॉर्डर करनी है. वेरी गुड आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो. हो गई आपकी बॉर्डर. मैं तो कर रही हूँ मेरे साथ आपको भी ये वाला शेप ड्रॉ करना है और उसकी बॉर्डर भी करनी है. देखो मेरी बॉर्डर तो खत्म हो गई. आई फिनिश माय बॉर्डर. ओके अभी हम इसमें क्या करेंगे कलर फिल करेंगे. हमने वो सर्कल जब किया था ना तो कौन सा कलर लिया था रेड कलर और अभी हम क्या कौन सा कलर लेंगे पिंक कलर. आपको पसंद है ना पिंक कलर. डू यू लाइक पिंक कलर. वेरी गुड देन नाउ स्टार्ट फिल द कलर.
धीरे से अच्छे से आपको कलर फील करना है। कलर को ऐसे फील करो जैसे वो बॉर्डर के बाहर निकले नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो चलो मेरे साथ, फटाफट खत्म करना है आपको। हुआ, स्टार्ट किया कलर करना। अगर आपके पास पिंक कलर नहीं है तो आप दूसरा कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं। मुझे पिंक कलर पसंद है इसलिए मैंने पिंक कलर लिया है। आई लाइक पिंक कलर, बट यू डोंट लाइक पिंक कलर, देन टेक अनदर कलर। ओके, धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, कलर को स्क्वायर के अंदर फील करेंगे। इससे हमारा स्क्वायर से कितना अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है ना। वेरी गुड। और वो पिंक कलर आपको कलर स्लाइम पता है ना, वो भी आप पिंक कलर को करते करते बोल सकते हैं। पिंक कलर वेयर आर यू, हियर आई एम, एक राइम है पता है ना, उसे सभी कलर है, वो राइम भी आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर शेप। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ बाकी रह गया है, बाद में भी कर सकते हैं। ओके, माय स्क्वायर फिनिश, योर स्क्वायर शेप इज फिनिश, वेरी गुड, बाय बाय। आपको एक घर पे स्क्वायर शेप करना है। थैंक यू।